हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप टाइटल से देख के समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ के ऊपर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सैलरी की एंट्री हम कैसे मारें। ठीक है, कुछ तो होती है, एक तो होती है डबल एंट्री और एक होती है सिंगल एंट्री। तो मैं दोनों ही केस में बताऊंगा कि क्या एंट्री होगी क्या नहीं होगी और पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा है, और इसका लेजर कैसे क्रिएट करना है कैसे नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले हम अपने टैली पे आ जाएंगे और क्या कहते हैं, हम मान के चलते हैं हम किसी राम को सैलरी दे रहे हैं और हम यहाँ उसका लेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, लेजर करेंगे राम करंट लायबिलिटी। ठीक है, अभी या फिर इसको इसमें भी आप सैलरी पेबल करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये ठीक है और ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हमें कुछ नहीं करना है और हम पहले हम जनरल एंट्री मारेंगे। जैसे मान चलते हैं हमने 31/5 में एंट्री दी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम करेंगे सैलरी, और सैलरी का जो हमारा हेड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है। ठीक है, सैलरी को हम डेबिट कर देंगे, इससे हमारा खर्चा बुक हो जाएगा 20,000 रुपये सैलरी और राम है बीइंग द सैलरी पेड पेबल फॉर द मंथ ऑफ मे 2021। ठीक है, ये तो हमारी सैलरी बुक हो गई और हमारा खर्चा बुक हो गया। अब जो हमारी लायबिलिटी है वो हमारी लायबिलिटी खड़ी हो गई, राम को हमें 20,000 रुपया देना है। वो जैसे कि जनरली 7 तारीख को सैलरी देते हैं तो हम 7-6 को पेमेंट दिखा देंगे राम 20,000। ठीक है, HDFC बैंक से हैं, यहाँ पे चेक नंबर डाल दो और आप डालना है डाल दो पेड टू सैलरी। अब इसको क्या कहते हैं, आपको डिटेल में देखना है तो क्या कहते हैं, आप इसको पूरा राम का लेजर खोल लो और क्या कहते हैं, ये 20,000 रुपये किस लिए दिए हैं या आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये हमने सैलरी दी है। एक तो हो गया ये, और एक दूसरा तरीका है कि आप मतलब खर्चा मई के महीने में नहीं कर रहे हो, सीधा सिंगल ही एंट्री मार रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, हैं पेमेंट वाउचर पे आएंगे 7-6 को हैं सैलरी, ये जो हमारा खर्चा है डायरेक्ट इसे ही हम दिखा देंगे सैलरी 20,000 हैं, और चेक नंबर पेड टू सैलरी पेड टू राम फॉर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मे 2021। एक ये तरीका है, दोनों ही तरीक़ों से आप क्या कहते हैं एंट्री मार सकते हो। बट जो हमारा पहला वाला तरीका है उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या कहते हैं कि कितने कितने बंदों को हमने सैलरी दी है। अगर हम मान के चलते हैं हम 50 बंदों को सैलरी दे रहे हैं और हम सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बार बार एक एक एंट्री को खोल के देखना होगा कि हमने राम को कितनी दी शाम को कितनी दी। और आप क्या कहते हैं केवल डबल एंट्री सिस्टम खोलने से सीधा राम का अकाउंट खोलोगे और आपको दिख जाएगा कि आपने किसको कितनी सैलरी दी है। तो गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इनकेस आपका कोई डाउट बनता है तो आप मेरे से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।